नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इस पर इस लाइट जो आ रही है इसके ऊपर जो भी लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं उस लाइट की इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको समझते हैं। तो ये जो ग्राफ है इसको याद रखना है आपको, वोल्टेज और करंट में ग्राफ बनता है इस टाइप का और ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। तो अब हम सेकंड डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बी है अपना इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो देखो होता क्या है, जैसे ही ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है इसकी जो इंटेंसिटी है वो हम इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ से जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा एमिट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट होने से या जो चार्ज कैरियर है अपना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, इसके ज़्यादा एमिट होने से यहाँ पर ज़्यादा करंट बनती है। बिकॉज आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी और क्यू इक्वल्स होता है एनी। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही करंट ज़्यादा बनेगी। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, उसकी वजह से करंट इंक्रीज होता है। तो देखो इंटेंसिटी जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी है कैपिटल आई, स्मॉल आई है ये करंट है अपनी, तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं करंट भी अपना इंक्रीज होता जाता है। बट ध्यान देना इन इलेक्ट्रॉनों की जो रफ्तार है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर कोई चेंज नहीं आता है। और अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है तो देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज ई इंटू वी नोट। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने से ये तो फिक्स है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो ये जो स्टॉपिंग वोल्टेज है ये भी चेंज नहीं होगी। तो इंटेंसिटी के चेंज होने से करंट चेंज होगा बट काइनेटिक एनर्जी या फिर जो स्टॉपिंग वोल्टेज है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इफेक्ट था। अच्छा ग्राफ की अगर हम बात करें, जो वोल्टेज वाला ग्राफ था उसको अगर हम देखें तो देखो वो किस टाइप से बनेगा। जो हमने इनिशियल में जो ग्राफ बनाया था ये वोल्टेज थी और एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट थी, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता था। तो मान लो इनिशियल में हमने जो लाइट की इंटेंसिटी ली वो I1 ली, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नोट। अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी को इंक्रीज किया। तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज हो जाएगी बट स्टॉपिंग वोल्टेज सेम रहेगा। तो अगली इंटेंसिटी पर जो ग्राफ बन जाएगा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। देखो इसमें जो करंट है वो तो बढ़ चुकी है, पहले करंट मैक्सिमम करंट है वो इतनी थी अब इतनी हो चुकी है, इंटेंसिटी I2 है। और इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो ये जो करंट है और इंक्रीज हो जाएगी बट स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही रहेगा। तो ये इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। हियर इंटेंसिटी I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड I1। तो जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो करंट भी अपना इंक्रीज होता गया बट स्टॉपिंग वोल्टेज सेम रहा बिकॉज काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। ओके थर्ड जो है वो है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसको भी समझ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ frequency of light मतलब ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है अपने, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज कर दें तो क्या चेंज आएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट में या फिर स्टॉपिंग वोल्टेज में या काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो फ्रीक्वेंसी, देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता था E इक्वल्स टू एच न्यू। ये फॉर्मूला होता है किसी भी फोटोन या लाइट की एनर्जी का एच न्यू। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जैसे ही हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो उस केस में होगा क्या, यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे मतलब जो करंट है वो सेम रहेगा बट इन इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड है या इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो इन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से देखो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू ईवी नोट। तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने से स्टॉपिंग वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं इसलिए करंट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से करंट में कोई चेंज नहीं आएगा बट काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की, जिससे स्टॉपिंग वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी। तो देखो ग्राफ हम बनाते कुछ इस टाइप से बनता है। ये वोल्टेज और करंट वाला ग्राफ है, उसी को हम थोड़ा सा बना देते हैं। ये अपनी वोल्टेज थी, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ग्राफ जनरल ग्राफ अपना ऐसे था, ये है अपनी स्टॉपिंग वोल्टेज V0। अच्छा, जब हमने फ्रीक्वेंसी सपोज दैट न्यूमन फ्रीक्वेंसी थी तो ग्राफ ऐसे बना। अब हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी है, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देने से अपनी जो करंट है ये इंक्रीज नहीं होगी बट स्टॉपिंग वोल्टेज है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो जब दूसरी फ्रीक्वेंसी पे हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। इसको मान लो V0 1 है, ये है V0 2। थर्ड फ्रीक्वेंसी लेंगे तो उस टाइम ग्राफ इस टाइप से आएगा V0 3। तो देखो ग्राफ में हो क्या रहा है, ये फ्रीक्वेंसी मान लो μ1 थी, ये फ्रीक्वेंसी μ2 थी, ये फ्रीक्वेंसी μ3 थी। तो देखो हर फ्रीक्वेंसी पे जो सैचुरेटेड करंट है या जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। बट हर बार क्या हुआ, स्टॉपिंग वोल्टेज इंक्रीज होता गया। पहले स्टॉपिंग वोल्टेज ये था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हो गया है। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी जिससे स्टॉपिंग वोल्टेज चेंज होती है और करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तीनों इफेक्ट हमने पढ़ लिए हैं, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना इफेक्ट ऑफ वोल्टेज में हमने ग्राफ पढ़ा था, ये इस टाइप का ग्राफ आता है जनरल ग्राफ। फिर जैसे ही हमने इंटेंसिटी का इफेक्ट पढ़ा था तो इंटेंसिटी का इफेक्ट ये होता है कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो जाता है बट काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है बट करंट सेम होती है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। थैंक यू। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूरी कहानी।